हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन बैंक सीरीज में एनिमल किंगडम का जो शेष क्वेश्चन है उसको आप वीडियो हम लोग बना रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज टोटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है, अबाउट द ऑकरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, व्हाइल द अदर थ्री आर करेक्ट। माने चार गो ऑप्शन में से तीन गो जो है करेक्ट है, एगो गलत जो है। नोटोकॉर्ड के बारे में क्या करना है, चुनना है। तो थोड़ा सा देख के हम लोग देखते हैं। इट इज़ ए प्रजेंट ओनली इन लार्वल टेल इन एसीडियन। एसीडिया जो है ए यूरोकॉर्डेट्स का, यूरोकॉर्डेट्स है। तो यूरो का मतलब हम लोग देखे हैं, यूरो मीन्स टेल और कॉर्डेट माने नोटोकॉर्ड। तो कहता है कि केवल लार्वल टेल में जो है पाया जाता है, ये बात सत्य है, सही है। इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस कर जाता है इन एडल्ट फ्रॉग। ये सही है, एडल्ट फ्रॉग जो है वर्टिब्रेटा का है, क्लास एम्फीबिया का। एम्फीबिया में क्या होता है कि उसके लार्वल स्टेज में तो नोटोकॉर्ड होता है और बाद में जो है एडल्टहुड में क्या हो जाता है, वो वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस कर जाता है। ये सही बात है। इट इज एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमन्स, ह्यूमन्स भी वर्टिब्रेटा का है, मैमेलियन है। तो इसमें भी क्या हो जाना चाहिए, वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाना चाहिए, लेकिन कह क्या रहा है कि एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमन्स, जबकि ह्यूमन्स में भी इसको जो है एडल्टहुड में रिप्लेस करना चाहिए वर्टिब्रल कॉलम में। इसीलिए यही आंसर होगा, यही बात गलत है। और इट इज़ ए प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ इन एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस जो है यूरो जो है ये सिफाइलोकॉर्डेटा है, सिफाइलोकॉर्डेटा है। सिफाइलो का मतलब होता है हेड टू टेल, हेड से टेल तक इसमें नोटोकॉर्ड होगा और वो थ्रू आउट लाइफ उसके जीवन भर नोटोकॉर्ड ही रह जाएगा। इसीलिए एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये बात गलत है। ह्यूमंस में भी उसके एम्ब्रायोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड रहना चाहिए हेड टू टेल, और बाद में जो है वो रिप्लेस कर जाना चाहिए उसको वर्टिब्रल कॉलम में। लेकिन यहाँ पर ये बात गलत दिया हुआ है और गलत तो ही चुनना ही है, इसीलिए आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। बाकी तीन वो जो है सत्य है, सही है। तो देखते हैं फिर अगला जो है हम लोग का सवाल क्या है। ये फिगर जो दिया हुआ है, इस फिगर को हम लोग को पहचानना है। ये जो फिगर है ये टीनिया का फोटो है, टीनिया का। ये टीनिया जो है फ्लाइट वर्म है, प्लाइटी हेलमेंथिस का सदस्य है। ये ऑरेलिया है जो सिलेंटेरेटा का सदस्य है। ये टीनिया जो है प्लाइटी हेलमेंथिस का सदस्य है। और ये ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस ये मोलस्का का सदस्य है। ऑक्टोपस का फोटो दिया हुआ है। और ये स्कॉर्पियन है जो आर्थ्रोपोडा का जो है, स्कॉर्पियन है जो आर्थ्रो। तो आंसर सही चुनने के लिए पहले इसको पहचानना पड़ेगा इस डायग्राम को। तो दिया ही है कि फिगर ए से डी तक जो है सो फोर एनिमल्स, चार गो एनिमल है ए बी सी डी के रूप में। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू ऑफ दीज एनिमल, दो एनिमल का कैरेक्टर समान है उसको चुनना है। तो ए एंड डी मतलब यह और यह रेस्पायर मेनली थ्रो बॉडी वाल, तो बॉडी वाल से जो है ये रेस्पायर करता है, जबकि ये गलत है,
स्कॉर्पियन में जो है ट्रैचियल सिस्टम है, बी एंड सी सो रेडियल सिमेट्री, तो बी जो है अपना ऑरेलिया है और ये सी जो है मोलस्का है, तो मोलस्का में तो क्या होता है बाइलेटरल सिमेट्री होता है, इसीलिए ये नहीं होगा। इसमें रेडियल सिमेट्री है लेकिन इसमें बाइलेटरल है इसीलिए नहीं होगा। ए एंड बी हैव नीडोब्लास्ट फॉर सेल्फ डिफेंस, तो ए एक्टिनिया जो है और बी जो है इसमें है नीडोब्लास्ट, लेकिन टीनिया में नीडोब्लास्ट जो है नहीं पाया जाता है स्टिंगिंग सेल, और इसलिए तो डी आंसर हो गया। तो सी एंड डी हैव ट्रू सिलो, सी ए मोलास्का और ए आर्थ्रोपोडा में क्या होता है ट्रू सिलोम पाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा। फिर इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे जो हम लोग का सवाल है, वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हैविंग ए सिंगल ओपनिंग, यहाँ सिंगल ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग का मतलब क्या हो गया, इसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में ही क्या होता है सिंगल ओपनिंग होता है, केवल माउथ होता है, एनस नहीं होता है। टू द आउटसाइड डेट सर बोथ माउथ एज वेल एज एनस, सिंगल ओपनिंग है जो माउथ और एनस दोनों का कार्य करता है। हाँ, तो इसमें चुनना है ऑक्टोपस, ये ऑक्टोपस जो है आर्थ्रोपोडा मोलस्का का है, ऑक्टोपस मोलस्का का सदस्य है और मोलस्का में जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माने माउथ और एनस दोनों होता है, इसलिए नहीं होगा। एस्टेरियस स्टारफिश इकाइनोडर्माटा का सदस्य है और इसमें भी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। एसीडिया जो है हम लोग देखे थे यूरोकॉर्डाटा का है, कॉर्डेट्स है, इसीलिए इसमें भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। तो ये तीन पहचान लिए तो अपने आप क्या हो गया आंसर हम लोग का मिल गया। तो फैसियोला जो है प्लेटी हेलमेंथिस का सदस्य है फैसियोला, और ये फैसियोला हेपाटिका जो है फ्लैट वर्म है, ये भी फैसियोला हेपाटिका प्लेटी हेलमेंथिस का सदस्य है, और प्लेटी हेलमेंथ में क्या होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसीलिए इसमें सिंगल ओपनिंग होगा माउथ, और वही माउथ जो है क्या करेगा एनस और माउथ दोनों का कार्य करेगा, इसमें सिंगल ओपनिंग होगा माने इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें होगा, इसलिए आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा फैसियोला। नेक्स्ट जो सवाल हम लोग का है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल द फोर स्पॉन्जिला लीच डॉल्फिन एंड पेंगुइन इज करेक्ट, ये चार को जो है एनिमल का नाम दिया है और कह रहा है कि कौन सा जो है चारों के बारे में क्या है करेक्ट है। तो पेंगुइन जो है होमो आयो थर्मिक, वाइल रिमेनिंग थ्री आर पाइक्लोथर्मिक, ये बात गलत है, इसलिए गलत है ये जो है क्योंकि पेंगुइन जो बर्ड्स है ये तो होमोआयोथर्मिक है, लेकिन डॉल्फिन भी होमोआयोथर्मिक है, लेकिन दे रहा है कि मैंने केवल पेंगुइन को छोड़ के बाकी सभी क्या है पाइक्लोथर्मिक है, ये बात गलत है। डॉल्फिन भी क्या हो जाएगा होमोआयो थर्मिक होगा, इसलिए गलत हो गया। लीच इज फ्रेश वाटर फॉर व्हाइल ऑल अदर आर मैरिन, कहता है कि इसमें जो लीच है वो क्या है वो फ्रेश वाटर है, बात तो सही है लेकिन कहता है कि ऑल अदर आर मैरिन सभी समुद्री है, जबकि ये स्पॉन्जिला जो है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हम लोग बोलते हैं माने फ्रेश वाटर में रहता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा गलत होगा। अब
स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज हैज ए स्पेशल कॉलर्ड सेल कॉल्ड कोनोसाइट्स नॉट फाउंड इन रिमेनिंग थ्री और ऑल आर बायलेटरल सिमेट्रिकल। ये गलत है, ये यहाँ स्पॉन्जिला में जो है, क्योंकि स्पॉन्जिला पौरी फेरा है तो इसका जो स्पॉन्जो सील जो होगा वो एक स्पेशल कॉलर्ड सेल्स से क्या होगा, लाइंड होगा, जिसको कोनोसाइट्स बोलते हैं। ऐसा जो है सेल और जो है एनिमल में नहीं होगा, इसीलिए एक्यूरेट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट्स एक्सक्रेटरी ऑर्गन आर करेक्टली स्टेटेड। मैंने इधर जो है एनिमल्स का नाम दिया है, इधर उसका जो है एक्सक्रेटरी ऑर्गन का नाम दिया है, और कौन जो है करेक्टली स्टेटेड है, कौन करेक्टली कह रहा है, तो ह्यूमंस का है, तो किडनी तो ठीक है, सेबिशियस ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, ये सब क्या है एक्सक्रेटरी ऑर्गन में नहीं है। अर्थवर्म, फायरेंजियल, इंटीगुमेंट्री एंड सेप्टल, सेप्टल नेफ्रेडिया, ये सही है। नेफ्रेडिया जो है अर्थवर्म का एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, और नेफ्रेडिया तीन तरह का होता है, फायरेंजियल नेफ्रेडिया, इंटीगुमेंट्री नेफ्रेडिया और सेप्टल नेफ्रेडिया, इसीलिए यहीं पे हम लोग को करेक्ट आंसर मिला है। बाकी थोड़ा देख लेते हैं, एक कॉकरोच का मालफिजियन ट्यूबुल्स तो है, लेकिन ये इंटेरिक का जो है ये नहीं है एक्सक्रेटरी ऑर्गन। फ्रॉग का किडनी है, ये स्किन बकल एपिथेलियम जो है नहीं है, इसीलिए करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ये होगा। इसी बहाने हम लोग कुछ एनिमल्स के क्या जो है एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट सवाल हम लोग का है, क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन। एक क्रोकोडाइल जो है रेप्टेलियंस है ना, आप पेंगुइन क्या है, बर्ड्स है, आर सिमिलर टू व्हेल एंड डॉग फिश। जो है कह रहा है कि व्हेल और डॉग फिश के सिमिलर है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, किस गुण से जो है वो समान है, तो कहता है कि पोसेस सॉलिड सिंगल स्टैंडर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ले एग्स एंड गार्ड देम टिल दे हैच, पोसेस बोनी स्केलेटन, हैव गिल्स लिट एट सम स्टेज। तो करेक्ट आंसर जो है हम लोग का ये होगा, बोनी स्केलेटन जो है क्रोकोडाइल में नहीं होगा, इसीलिए ये नहीं होगा। ले एग्स एंड गार्ड देम टिल दे हैच, ऐसा क्रोकोडाइल में नहीं है, वो अपना अंडा दे के जो है वो फिर उसके हैचिंग तक वो गार्ड नहीं करता है। उसके बाद में सॉलिड सिंगल स्ट्रैंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये पेंगुइन में ऐसा नहीं है, इसीलिए ज़्यादा एक्यूरेट आंसर कौन हो जाएगा, गिल स्लिट्स जो है उसके किसी किसी स्टेज में पाए जाते हैं, ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है। चलो अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल कंप्राइजेस जॉलेस फिश, जॉलेस फिश, तो जॉलेस फिशेज क्या कहलाएगा, एग्नेथा, और एग्नेथा में कौन है, मैकेरल्स एंड रोहू, रोहू हो गया बोनी फिशेज, उसमें जौ होता है, लैम्प्रे एंड हैग फिश, गुफिस एंड हैग फिश और लैम्प्रे एंड इल्स। तो लैम्प्रे एंड हैग फिश जो है ये आपको एग्नेथा का क्या है, जॉलेस फिश है, इसको याद ही कर जाएगा कि जॉलेस फिश कौन कौन है, तो लैम्प्रे एंड हैग फिश। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अपना आंसर सिलेक्ट करेंगे। फिर कहता है अगला सवाल हम लोग का है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन बर्ड्स इंडिकेट्स दियर रेप्टेलियन एंसेस्ट्री। मैंने कहता है कि इसमें से जो दिया हुआ है कैरेक्टर वो बर्ड्स का रेप्टेलियन जो है पूर्वज कौन है, रेप्टेलियन है, मतलब रेप्टेलियन से ही बर्ड्स क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है, तो कौन सा कैरेक्टर जो है उसको जो है करता है,
तो कहते देखिए टू स्पेशल चेम्बर क्रॉप एंड गिजार्ड इन दियर डाइजेस्टिव ट्रैक, ये बर्ड्स में है लेकिन रेप्टेलियंस में ये नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। एक सुविध है कैलकेरियस सेल, चलो ये भी नहीं होगा। स्केल ऑन दियर हिंड लिम्स, फोर चेम्बर हार्ट, फोर चेम्बर हार्ट जो है ये नहीं है, कारण कि कुछ ही रेप्टाइल्स में ना ऐसा होता है। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा स्केल्स ऑन दियर हिंड लिम्ब। कुछ रेप्टेलियंस के हिंड लिम्ब में क्या हो जाते हैं, स्केल पाए जाते हैं, और बर्ड्स में भी क्या होता है ये पाया जाता है। इसीलिए हम लोग एक एविडेंस दे सकते हैं कि बर्ड्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स ही एंसेस्टर है किसका, बर्ड्स का। चलो एस्केरिश इज द कैरेक्टराइज्ड बाई, मैंने हम लोग एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, एस्के हेलमेंथिस का सदस्य है। एस्केरिस किसका सदस्य है, किस फाइलम का, एस्के हेलमेंथिस का सदस्य है। तो इसमें जो है प्रजेंस ऑफ ट्रू सिलोम, क्या इसमें ट्रू सिलोम है, नहीं है, क्योंकि एस्के हेलमेंथिस है, इसमें स्यूडो सिलोम है। और फिर मेटामेरिजम, ये तो बात सही है कि इसमें मेटामेरिजम जो है एब्सेंट होता है, लेकिन ट्रू सिलोम नहीं होता है, इसलिए नहीं होगा। प्रजेंस ऑफ ट्रू सिलोम, फिर यहीं से बात क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब्जेंस ऑफ ट्रू सिलोम बट प्रजेंस ऑफ मेटामेरिजम, तो मेटामेरिजम देखिए ट्रू सिलोम तो नहीं है लेकिन मेटामेरिजम भी इसमें नहीं है। मेटामेरिजम तो तीन ही फाइलम में ना है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, और ये एस्के हेलमेंथिस में है, इसलिए मेटामेरिजम इसमें नहीं होगा। प्रजेंस ऑफ नाइदर ट्रू सिलोम नॉर मेटामेरिजम, ये ज़्यादा जो है एक्यूरेट आंसर है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। तो अब कैरेक्टर के आधार पर जो है सब चुनना है, इसमें ज़्यादा नहीं कुछ है, इसको एकदम हम बोले कि आप ध्यान से अगर एक बार पढ़ लीजिएगा तो इसका माने इस चैप्टर का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाना है, क्वेश्चन सेटर थोड़ा सा क्या करता है, इस क्वेश्चन को जो है सजा देता है, ट्विस्ट कर देता है, तो देखने में लगता है कि बड़ी भारी है, लेकिन नहीं, आप मैचिंग करिएगा। तो जैसे यहाँ देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ थ्री एनिमल्स ईच इज करेक्टली मैच्ड विथ दियर वन कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो है क्या है, उसका करेक्टली मैच है, उसको हम लोग पहचानेंगे। तो स्कॉर्पियन, स्पाइडर और कॉकरोच, स्कॉर्पियन, स्पाइडर और कॉकरोच ये क्या है, आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा है, और आर्थ्रोपोडा जो है नॉन कॉर्डेट्स है। आर्थ्रोपोडा किसके अंतर्गत आता है, नॉन कॉर्डेट्स के अंतर्गत आता है, और नॉन कॉर्डेट्स में जो है क्या होता है, वेंट्रल सॉलिड नर्वस सिस्टम पाया जाता है। इसीलिए हमको लगता है कि यहीं से होगा, लेकिन फिर आगे देखते हैं, वो मैच करना है। कॉकरोच, लोकोस्ट और टीनिया, तो ये तो दोनों क्या है, आर्थ्रोपोडा है, लेकिन टीनिया क्या है, प्लैटी हेलमेंथिस है। तो इसमें टीनिया में मेटामेरिक सेगमेंटेशन तो नहीं होगा, इसीलिए ये बात क्या होगा, गलत होगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं और चॉइस इसका है ना। और लीवर फ्लूक, ये भी जो है प्लैटी हेलमिंस सी एनिमल्स सिलेंट्रेटा का है, सी कोकम्बर, ये जो है इकाइनोडर्माटा का है, तो इसमें जो है बाईलेटरल सिमेट्री की बात करता है ना, तो ये भी सही है। सेंटीपेड, प्राउन एंड सी ऑर्चिन ज्वाइंटेड अपेंडेज नहीं, ये तो आर्थोपोडा है, ये तो आर्थोपोडा है, तो इसीलिए इसमें ज्वाइंटेड अपेंडेज होगा, लेकिन सी और चीन जो है ये इकाइनोडर्माटा का है, इसलिए ये बात भी गलत हो गया। इसीलिए सबसे इसमें एक्यूरेट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, तो हम जो है क्या करेंगे, उसको फिर से रिफ्रेश करेंगे।
which one of the following phyla is correctly matched with its two general characters. पूरा जो है हम लोग सवाल बनाने के बाद ये समझ में आ रहा है कि पूरे जो है इस चैप्टर से कैरेक्टर्स पर आधारित क्वेश्चन पूछता है, तो हर फाइलम का अपना कैरेक्टर अपना क्या करिएगा याद रखिएगा, अपने आप सवाल बन जाएगा। कहता है कि इकाइनोडर्मेटा दिया है, वो पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री एंड मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये बात गलत है। मोलस्का नॉर्मली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट थ्रू द ट्रोकोफोर और विलाइजर लार्वा। आर्थ्रोपोडा बॉडी डिवाइडेड इंटू हेड थोरेक्स एब्डोमन एंड रेस्पायरेशन बाई ट्रैकिया, ये सबसे एक्यूरेट आंसर यही मिल गया। कोडाटा नोटोकोड एट सम स्टेज एंड सेपरेट इनल एंड यूरिनरी ओपनिंग टू द आउटसाइड, ये गलत है। मैंने हर कुछ जगह पर उसका जो है एनल और यूरिनरी मैंने क्लोएका के रूप में क्या होता है खुलता है, इसीलिए ज़्यादा आंसर एक्यूरेट कौन हो गया, सी नंबर का हो गया। चलिए अब जो है अगला हम लोग सवाल आता है, कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा का कौन सा कैरेक्टर जो है नहीं है, तो स्यूडोसिलोमेट। ये स्यूडोसिलोमेट किसका कैरेक्टर है, इसके हेलमेंथिस नेमाटोडा, फाइलम नेमाटोडा इसके हेलमेंथिस का एक कैरेक्टर है और एनेलिडा में पूछ रहा है, तो यही बात गलत होगा। हम लोग का आंसर यहीं से मिल गया, लेकिन फिर और चॉइस को पढ़ेंगे कि क्या और भी तो कुछ। वेंट्रल नर्व कॉर्ड ये सही है, चूँकि एनेलिडा भी नॉन कॉर्डेट्स है और नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है वेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एनेलिडा का कैरेक्टर है, एनेलिडा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं और सेगमेंटेशन तो यहीं से स्टार्ट होता है, सेगमेंटेशन पाया जाता है, इसीलिए ए बी सी और डी ए सही है। एक स्यूडोसिलोम जो है कैरेक्टर एनेलिडा का नहीं है, इसीलिए आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग को पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड जो है जैसे एनिमल्स का नाम दिया है क्रोकोडाइल फोर चेम्बर हार्ट, करेक्टली मैच्ड है तो क्रोकोडाइल का फोर चेम्बर हार्ट, सी ऑर्चिन, पारापोडिया, ओवेलिया मेटाजेनेसिस, ल्यूमर, थीकोडॉन। तो एक ये जो सी ऑर्चिन जो है इसमें पारापोडिया नहीं पाया जाता है, सी ऑर्चिन में पारापोडिया जो है नेरिस जो मैरिन एनेलिडा है उसमें होता है, और सी ऑर्चिन तो क्या है इकाइनोडर्माटा का है, इसीलिए ये जो है मैच्ड नहीं है। बाकी ए भी मैच्ड है। ओवेलिया में मेटाजेनेसिस की घटना होती है, मतलब मेटाजेनेसिस का दूसरा नाम क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। मेटाजेनेसिस की घटना ओवेलिया में पाया जाता है, इसमें मेड्यूसा जो है पॉलिप में और पॉलिप मेड्यूसा फॉर्म में क्या होते रहता है चेंज करते रहता है, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन होते रहता है। और ल्यूमर जो है एक माने मैमल्स है उसमें उसका दांत जो है थीकोडोंट होगा, मतलब टूथ जो होगा वो जॉ सॉकेट में क्या होगा फिट होगा, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका एक सेकेंड नहीं रहेगा, तो यही में चॉइस में सेकेंड नहीं है इसलिए आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग पेयर ऑफ ए बॉडी फीचर्स एंड एनिमल प्रोसेसिंग इट। बॉडी फीचर्स का जो है मैचिंग पेयर करना है, जैसे वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीच। चलिए लीच जो है एनेलिडा का है, एनेलिडा जो है नॉन कॉर्डाटा है, इसीलिए इसमें वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा। चलिए फायरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट इन एम्ब्रायो,
कैमेलियन में जो हम लोग का कैमेलियन है उसमें ये जो है नहीं होता है। वेंट्रल हार्ट स्कॉर्पियन में, पोस्ट एनल टेल ऑक्टोपस में, जबकि पोस्ट एनल टेल कॉर्डाटा का कैरेक्टर है, ऑक्टोपस तो मोलस्का है इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है, और स्कॉर्पियन भी जो है एनेलिडा का सदस्य है, आर्थ्रोपोडा भी नॉन कॉर्डेट है, और नॉन कॉर्डेट का जो हर्ट होता है वो डोर्सल होता है। वेंट्रल हर्ट जो है कॉर्डाटा का कैरेक्टर है इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मैचिंग किसका कर रहा है, लीच का। लीच चूँकि नॉन कॉर्डेट्स है एनेलिडा फाइलम का सदस्य है, और नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन पैरोट प्लैटिपस एंड कंगारू। तो पैरोट बर्ड्स हो गया, प्लैटिपस एग लेइंग मैमल्स हो गया, और कंगारू भी जो है प्रोटो मतलब मेटाथेरिया का हो गया, वर्टिब्रेट हो गया। तो टूथलेस जॉ नहीं, फंक्शनल पोस्ट एनल टेल, ओवेपिरेटी बच्चा देने वाला तो ये प्लैटिपस नहीं है इसलिए ये भी गायब हो गया। चलिए होमो आयोथर्मी, चूँकि पैरोट प्लैटिपस और कंगारू बर्ड्स और मैमल्स है इसीलिए इसका कैरेक्टर क्या होगा होमो आयोथर्मली। इसका ये जो बॉडी टेम्परेचर है एक कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो है होमो आयोथर्मी का मतलब होता है माने इसके बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में चेंजिंग से इसके बॉडी के टेम्परेचर पर कोई चेंजिंग नहीं आता है, यही कैरेक्टर के बारे में कह रहा है जो ये सब में है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, कहते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट नेरिस। नेरिस जो है मैरिन एनेलिडा है, समुद्र में रहने वाला एनेलिडा है नेरिस है, स्कॉर्पियन जो है आर्थ्रोपोडा है। ये सबका फाइलम निकालिएगा तब कैरेक्टर देने में, एक कॉकरोच भी क्या है आर्थ्रोपोडा है, एंड सिल्वर फिश ये भी क्या है आर्थ्रोपोडा है, ये तीनों आर्थ्रोपोडा है और एक एनेलिडा है। तो क्या होगा दे ऑल पोसेसेस डोर्सल हार्ट, चूँकि ये एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों नॉन कॉर्डेट्स है और नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है डोर्सल हार्ट होता है। नॉन ऑफ देम इज एक्वेटिक, मैंने कहा था कि कोई भी एक्वेटिक नहीं है जबकि नेरिस तो समुद्री है तो ये बात गलत हो जाएगा। दे ऑल बिलोंग्स टू द सेम फाइलम ये भी गलत है, ये तीन को जो है आर्थ्रोपोडा का है ये एनेलिडा का है इसलिए गलत हो जाएगा। दे ऑल हैव ज्वाइंटेड पेयर्ड अपेंडेज, नेरिस में तो ऐसा नहीं है ये तीनों में ऐसा है इसलिए एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा डोर्सल हर्ट रखता है ऐसा जो है। अब फिर हम लोग नेक्स्ट जो है नेक्स्ट सवाल क्या नंबर का था 68 था, चलिए यहाँ से देखते हैं। ठीक है लेने में, चलो बाई रेडियल सिमेट्री एंड लेक ऑफ नीडोब्लास्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रा एंड स्टारफिश। चलिए ए नीडोब्लास्ट जो है, नीडोब्लास्ट किसका कैरेक्टर है सिलेंट्रेटा नाइडेरिया का कैरेक्टर है, तो हाइड्रा जो है सिलेंट्रेटा का तो है लेकिन स्टारफिश नहीं है इसीलिए ये नहीं होगा। स्टारफिश फिर दे दिया टीनोप्लाना एंड
बीरो ये जो है इसमें ये टीनो प्लाना और बीरो ऑरेलिया एन परामेशिया। तो ये टीनो प्लाना और बीरोर ये दोनों जो है किसका है, टीनो टीनोफोरा है और ये नाइडेरिया, इसका दूसरा नाम जो है इस फाइलम के ए नाइडेरिया है, इसीलिए ए नाइडेरिया रखा गया है कि उसमें जो है बाइलेटरल सिमेट्री होने के बावजूद भी उसमें नीडोब्लास्ट नहीं पाया जाता है, स्टिंगिंग सेल नहीं पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टीनोप्लाना एन बीरोई। द कॉमन कैरेक्टर्स फाउंड इन सेंटीपेड कॉकरोच एंड क्रैब। तो क्या कहता है, बुक लंग्स एंड एंटीना, कंपाउंड आई एंड एनल्सर की, ज्वाइंटेड लेग्स एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन और ग्रीन ग्लैंड एंड ट्रैक। ये सभी आर्थ्रोपोड का ही बात किया जाता है और सभी आर्थ्रोपोड भी है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आर्थ्रोपोडन कैरेक्टर जो तीनों में है वो है ज्वाइंटेड लेग्स का पाया जाना और काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये आर्थ्रोपोडा का बहुत बड़ा कैरेक्टर है। चलिए आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स डू ऑल द फोर गिव बर्थ टू यंग वंस। कह रहा है कि कौन सा है जो एक यंग वंस को जो है क्या करता है, जन्म देता है। तो चलिए, कंगारू, हेडहॉग, डॉल्फिन, लोरिश, लायन, बैट, व्हेल, ऑस्ट्रिच। यहाँ ऑस्ट्रिच जो है ये अंडा देने वाला है, ये बच्चा को जन्म नहीं देता, इसलिए ये च्वाइस नहीं हुआ। प्लेटिपस ये एग लेइंग मैमल्स है, ये जो है यंग वंस को बर्थ नहीं करेगा। फिर श्रू, बैट, कैट एंड कीवी यहाँ पर हो गया, ये जो है इसीलिए कंगारू, हेडहॉग, डॉल्फिन, लोरिस ये सभी जंतु जो है एक बच्चे को जन्म देंगे, इसलिए एक्यूरेट आंसर कौन हो गया, कंगारू, हेडहॉग, डॉल्फिन और लोरिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैचिंग सेट ऑफ ए फाइलम एंड इट्स थ्री एग्जाम्पल्स। तो देखिए, पोरीफेरा फाइलम है, उसका एग्जाम्पल जो है स्पॉन्जिला तो एग्जाम्पल है, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला जो है भी है, लेकिन पेनाटूला जो है ये नहीं है, एसिलेंट्रेटा का सदस्य है ना, उसी तरह ये नहीं होगा। नाइडेरिया, बोनेलिना, फाइसेलिया, ऑरेलिया, देखते हैं। प्लैटी हेलमेंथिस में प्लानेरिया है जिसमें सबसे ज़्यादा रिजेनरेशन पावर होता है। साइकोस्ट्रोमा ये जो है इंट्रोबायोस जो है ये एसके हेलमेंथिस का सदस्य है, पिनवर्म, इसीलिए ये भी नहीं होगा। मोलस्का, लोलिगो, टेरोडो और ऑक्टोपस ये मोलस्का फाइलम का ये सभी क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं, इसीलिए हम लोग का एक्यूरेट आंसर क्या हो गया, मोलस्का हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे फिर हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि इन कंट्रास्ट टू एनेलिड्स द प्लैटी हेलमेंथिस शो अब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, प्रेजेंस ऑफ स्यूडोसोल। तो प्लैटी हेलमेंथिस में कौन ऐसा जो कैरेक्टर है जो एनेलिडा के कंट्रास्ट में है, तो यही अब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी। इसलिए ना प्लैटी हेलमेंथिस क्या है, असिलो मेट है, और सिलोम की शुरुआत कहाँ से हो जाती है, एनेलिडा से हो जाता है, इसलिए ज़्यादा एक्यूरेट आंसर ये होगा। कहता है अच्छा,
चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द रॉन्ग वन. ए को क्या करना है, रॉन्ग चुनना है. कहता है कि प्राउन हैज टू पेयर्स ऑफ एंटीना, नेमाइटोसिस्ट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम नाइडेरिया. ये सही है, नेमाइटोसाइट्स जो है स्टिंगिंग सेल जो है स्टिंगिंग कैप्सूल हो जाएगा वो फाइलम नाइडेरिया का सिलेंट्रेटर का कैरेक्टर है. मिलीपेड्स हैव टू पेयर ऑफ अपेंडेज इन द ईच सेगमेंट ऑफ बॉडी. सही बात है, मिलीपेड्स में जो है टू पेयर्स अपेंडेज जो है प्रत्येक सेगमेंट पे पाया जाता है. एनिमल बिलोंगिंग टू द फाइलम पॉलीफेरा आर मैरिन एंड फ्रेश वाटर, दोनों बात सही है, दोनों में रहता है. तो इसमें प्राउन जो है, प्राउन हैज टू पेयर्स ऑफ एंटीना, वन पेयर ऑफ एंटीना होता है झींगा में, वन पेयर ऑफ एंटीना, जबकि क्या दिया है यहाँ पर टू पेयर, इसीलिए बात क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और हम लोग का आंसर भी हो जाएगा. चलिए, दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट टाइपिकल ऑफ क्लास मैमेलिया. मैमेलिया क्लास के लिए जो है टाइपिकल कैरेक्टर नहीं है. तो थीकोडोंट डेंटिशन, ये मैमेलियन कैरेक्टर है, उसके दांत जो है जौ के सॉकेट में पाए जाते हैं. एल्वियोलर लंग्स, लंग्स में एल्वियोलाई पाया जाता है. 10 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व और 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री भी पाया जाता है. ये 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स नहीं, यहाँ पर 12 पेयर होगा, 12 जोड़ा क्रैनियल नर्व होता है मैमेलिया में, इसीलिए हमारा रॉन्ग आंसर कौन हो जाएगा, 10 पेयर्स, और ये हमारा आंसर हो जाएगा. रॉन्ग बात इसमें चुनना है मैमेल्स के बारे में, तो 10 पेयर्स के बाद 12 पेयर्स क्रैनियल नर्व होता है इस तरह से. तो आज हम लोग इतना रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में और शेष बनाएंगे. इसमें कोई बच्चा को कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि कौन सा आंसर आप नहीं समझे, कौन सा आंसर, चूँकि आंसर बनाने के वक्त समय कम रहता है तो हम लोग उसको जो ज़्यादा हम लोग ज़रूरी समझते हैं वही बात बोलते हैं और आंसर अपना चुन करते हैं. अगर और भी ज़्यादा उसके बारे में जानना है या आप नहीं समझ पाते हैं तो उसको कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा. चलिए, बेस्ट ऑफ लक करिए, फिर कल हम लोग अगला क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे.